हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का हमारे इसके इलेक्ट्रिकल चल में। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन आई है। तो देख सकते हैं, ये हमारी 15 kg की वॉशिंग मशीन है, कस्टमर का बताना है। तो दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया तो इसके बारे में मुझे कोई डिटेल नहीं मिली। तो अभी ये वॉशिंग मशीन लेके आए थे टेम्परेली, यहाँ पे हमने लगा के चेकिंग के लिए चेक कर रहे थे। तो देख रहे थे कि क्या ये वॉशिंग मशीन काम करती है या वर्किंग में है या नहीं। तो दोस्तों, आज हम सभी इसके जो क्या कहते हैं, इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, तो आज आपको वो प्रोग्रामिंग इसकी हम बताएंगे कि ये वॉशिंग मशीन कैसे काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये वॉशिंग मशीन इंडिया की नहीं है, ये फॉरेन कंट्री में यूज होती है। क्योंकि आप सभी ने साथ जो काम करते हैं उन्होंने देखा होगा कि इस जो हमारा ये टाइमर यहाँ पे लगा है प्रोग्रामिंग, ठीक है, यहाँ की इसकी पीसीबी होती है यहाँ पे पूरी, और जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी मशीन ने रिपेयर की हैं तो इनका कोई यहाँ पे स्मार्ट नहीं मिलता। और ज़्यादातर देखेंगे कि हमारे जो फॉरेन कंट्री होती हैं, जैसे मेरे पास पैन का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हम जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वहाँ पे दोस्तों इन मशीनों के बारे में ही बताया जाता है, इनका पीसीबी कार्ड रिपेयर करने के बारे में। तो दोस्तों, आज फर्स्ट टाइम हमारे पास ये मशीन आई थी और ये फॉरेन कंट्री की थी, किसी होटल से आई है, ठीक है। तो आज इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे कि इसे हम कैसे प्रोग्राम करते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी की मशीन रिपेयर करने जाते हैं तो हमें दोस्तों पता होना चाहिए कि वो वॉशिंग मशीन काम कैसे करती है, उसका प्रोग्रामिंग क्या है और सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका प्रोग्रामिंग फ्रंट लोड मशीन के जैसा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, और कुछ फंक्शन इसके फ्रंट लोड जैसे हैं और कुछ फंक्शन हमारे टॉप लोड जैसे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है फ्रंट लोड का, ठीक है। इसमें जो दोस्तों सिस्टम है, पहले तो मैं इसे ऑफ़ कर लेता हूँ, ठीक है, इसे ऑफ़ कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ से ऑफ़ हो गई और ये एलईडी ब्लिंक कर रहा है, देखते हैं, ठीक है, ऑफ़ हो गई। तो अभी हमारा डोर इसके अंदर, मैं आपको बताऊँ दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर क्या है, यहाँ पे डोर लॉक लगा हुआ है, जो कि हमारा कि फ्रंट लोड मशीन में जो डोर लॉक लगता है, ठीक है, आप सभी को शायद पता होगा, मैं नीचे से दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये डोर लॉक है जो कि फ्रंट लोड मशीन में आता है, तो इसमें फ्रंट लोड वाला डोर लॉक लगा हुआ है, पहले सबसे बड़ी बात यह है। तो देखिए दोस्तों, ये 16 kg की है, वर्लपूल में यही आता है, सभी को पहचान है, ठीक है। तो ये हमारा वाटर का है। अगर हम बात करें इसकी प्रोग्रामिंग की, ठीक है, तो ये हमारा वर्लपूल का ब्रांड है। तो यहाँ आप देखेंगे लोड साइड, ठीक है, ये हमारा वाटर लेवल का रहेगा, ये हमारा हॉट कूल वार्म का रहेगा, ठीक है, और ये हमारा एक्स्ट्रा रिन का रहेगा। और अब हम बात करने वाले हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, इसके अंदर जो प्रेशर टेट सेंसर लगाया हुआ है, नॉर्मली 2 तार वाला प्रेशर टेट सेंसर है दोस्तों, और ये हमारा कोई सिलेक्टर नहीं है। देखिए, इसके अंदर आपको जो आवाज़ आ रही है, ये इसके अंदर गरारी होती है, ठीक है, गरारी से उसके अंदर जो हमारा इसमें मैगनेट लगा होता है, जो कि आगे पीछे होता है इससे, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 तार लगी हैं इसके प्रेशर टेट सेंसर में। और मैं बता देता हूँ, ये कोल्ड वाले में इनका और इनका जो कनेक्शन है वो पैरेलली कनेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है। जो इसके अंदर दोस्तों 6 वायर हो और 6 की 6 ऐसे पैरेलल में लगी हुई है, ना कि कोई अलग से कोई पीसीबी से वायर आया हुआ है, अलग नहीं है, जो यहाँ से इस पीसीबी बोर्ड से 6 वायर आ रही हैं तो डायरेक्ट पैरेलल में इसमें लगी हुई हैं, ठीक है। दिखने में तो यहाँ पर अलग अलग सिस्टम है बट काम अलग अलग करते हैं और वायरिंग एक ही है। ये कुछ मेरे दिमाग में नहीं समझ में आया कि इन्होंने ऐसा प्रोग्रामिंग कैसे डाली, या तो दोस्तों इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू बनाते हैं इनके अंदर, उसी से प्रोग्राम चेंज होता होगा, ठीक है। प्लस अभी हम बात करेंगे नॉर्मल साइकिल्स, ठीक है, यहाँ से साइकिल्स का मतलब होता है आप सभी को कि काम कैसे करता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको सबसे पहले इंडिकेटर्स के बारे में। तो दोस्तों, इंडिकेटर पे देखिए, फेल, वॉश, रिन, स्पिन और डन और लीड लॉक। दोस्तों, लीड लॉक का मतलब है कि हमारा डोर लॉक होना, ठीक है। प्लस हमारा डन का मतलब है जो हमारा प्रोग्राम डाला है वो पूरा हुआ या नहीं। स्पिन का मतलब सभी को पता होता है, रिन का मतलब सभी को पता है, वाश का भी सभी को पता है, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूँ, स्पिन का मतलब सुखाना और वाश का मतलब धोना और रिन का मतलब होता है पानी लेकर के दोबारा कपड़ों को झुगोलना और फिर पानी निकाल देना स्पिन करके। अभी देखिए सुपर कूल, दोस्तों आप सोच रहे हैं प्रोग्रामिंग तो सेम है पर काम इसमें अलग क्या है, ठीक है, अलग मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिस्टम ये है दोस्तों, फ्रंट लोड का, फ्रंट लोड जैसा, जैसे हमने लगाइए दोस्तों, यहाँ पे हमने वॉश मोड किया है, ठीक है, सुपर वॉश पे। तो मैं इसे देखिए यहाँ से ऑन करता हूँ, आप इंडिकेटर को ध्यान दीजिएगा, मैंने ऑन किया, इंडिकेटर ऑन हो चुका है, ठीक है, ये ब्लिंक करता हुआ आपको दिखा रहा है बट ये स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि कैमरे में ऐसे दिखता है, अभी स्टेबल है।
अभी क्या करेगा, ये वॉश मोड पे चलेगा। अगर दोस्तों मैं चाहूँ तो इसे स्पिन मोड पे करना चाहूँ ऐसे, तो दोस्तों ये स्पिन मोड पे नहीं होने वाला। देखिए लीड लॉक, लीड लॉक का मतलब देखिए डोर लॉक हो चुका है, डोर लॉक हो चुका है। तो अगर दोस्तों मैं ऐसे अगर मैं इसे स्पिन मोड पे करके स्टार्ट करना चाहूँ तो नहीं होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। इसके लिए अलग से क्या करना पड़ेगा, जैसे फ्रंट लोड में होता है, इसे हमें कुछ सेकंड तक प्रेस करना है जिससे कि हमारा सारा प्रोग्राम होल्ड हो जाएगा। ठीक है, सभी इंडिकेटर्स बंद हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा ये वाला इंडिकेटर बंद हो गया, अभी ये तब होगा जब हमारा डोर लॉक ऑफ होगा। ठीक है, आपको आवाज़ आई होगी टिक देसी, तो हमारा डोर लॉक ऑफ हो गया। तो दोस्तों अभी हमें स्पिन मोड पर करना है, तो अब इसे हम प्रेस करेंगे ऐसे, देखिए एलईडी ऑन हुई तभी ये स्पिन मोड पर जाएगा दोस्तों, समझे। अब पानी आ रहा है इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए तभी ये स्पिन मोड पर जाएगा दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप काम करने जाएं। तो अगर आपको कोई भी प्रोग्राम चेंज करना पड़ा तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है होल्ड 3 सेकंड टू कैंसिल, ठीक है, और पुश अनलॉक लॉक। ठीक है, तो ये इसका पूरा काम करने की वर्किंग है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तो ये इसकी ड्रेन पाइप है, जो कि नॉर्मली हमारी फ्रंट लोड में आती है, ऊपर से नीचे ड्रेन होता है। ठीक है, इसके अंदर ड्रेन पंप लगाया हुआ है, और ये हमारा कूल वाला है पानी का, कोल्ड वाटर का, और ये हॉट वाटर का। ठीक है, दोनों यहाँ से चलेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ी सी इसका ये देखते हैं पार्ट नंबर, ये लिखा हुआ है वाइट एमस्टर। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ी सी डिटेल आपको देनी थी, तो आज मैंने दी है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करके ज़रूर जाना दोस्तों, और कमेंट में हमें बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।